Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see complete form validation using regex in JavaScript in Hindi. तो चलिए guys शुरू करते हैं। जी हाँ guys, तो I know आप बहुत ही ज्यादा excited हो इस particular video को लेकर क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा important है। चाहे वो आपका registration form हो, login form हो, school admission form, college admission form, job में vacancy का form, दुनिया का कोई भी form उठा लो, validation आपको करना ही पड़ता है। And when it comes to your web development, JavaScript is the king and JavaScript के through अगर आप वैलिडेशन कर ले तो देन दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी हो ना हो मतलब नहीं, आप बहुत इजीली वैलिडेशन करके अपने कलीग या अपने ऑफिस में मेंबर्स को आप इम्प्रेस कर सकते हो। सो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा ऐड कर लेता हूँ, जहां पे अगर मैं सिर्फ 3 कैरेक्टर लिखते हुए काम नहीं करेगा क्योंकि मिनिमम हमें 5 चाहिए, बट इफ यू वॉन्ट आप मिनिमम 3 कर सकते हो। लेट से फॉर राम, राम भी तो 3 ही में आता है ना, तो आप उसके लिए कर सकते हो। द मोमेंट मैं 5 करता हूँ मेरा काम हो जाता है। मोबाइल नंबर ये इंटरनेशनल फॉर्मेट है, बट हम इसको इंडियन फॉर्मेट में करेंगे, जहां पे नंबर मस्ट बी 10, मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 एंड देन जो स्टार्टिंग के फर्स्ट कैरेक्टर होगा इट मस्ट बी इधर 6, 7, 8 और 9, क्योंकि अभी 6 से भी स्टार्ट हो चुका है। सो किसी भी हालत में गाइस इसको मैं आई थिंक ज्यादा हो गया, ठीक है वो भी चला गया। अब मेल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स से थापा अगर मैं लिखूंगा काम नहीं करेगा, वी नीड एटलीस्ट 1 एट द रेट, कुछ भी नहीं काम करेगा, फिर एटलीस्ट हमें एक डॉट लगने वाला है एंड एट द लास्ट में गाइस वी हैव एक डी एंड दैट्स इट, ठीक है। सो फॉर्मेट है ये एंड बाय द वे मैं ऑलरेडी ईमेल वैलिडेशन, पासवर्ड वैलिडेशन, मोबाइल वैलिडेशन, यूजर नेम वैलिडेशन सब के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसी को ही आज मैं यहाँ पे एक कंप्लीट पैकेज बना के आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे आपको लगा होगा यार ये क्या चीज है, ठीक है। अब पासवर्ड ध्यान से देखिएगा, एटलीस्ट एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर एंड देन 1 मोबाइल नंबर मस्ट बी देयर। मोबाइल नंबर से मेरा मतलब था नंबर डिजिट, ठीक है। सो ये करता हूँ, देन मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, देन एट द रेट, देन क्यू डब्ल्यू ई, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, ये जो मैंने लिखा वो जस्ट बोल दिया, मेरे को आइडिया नहीं इसका, तो यहाँ पे हम चलते हैं ये जो भी। एंड गाइस दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, जहाँ पे ओके देखा दोनों सेम हो गया था। सो ये कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना, ये तो मैंने लिख दिया, द मोमेंट एंटर हिट करूंगा वो तो ठीक हो गया, लेकिन अब फाइनली अगर आपने पासवर्ड लिखा एंड देन कंफर्म पासवर्ड की जब बारी आती तो दोनों मैच होने जरूरी है ना, इसलिए अभी तक हमें इसका एरर नहीं आ रहा था, क्योंकि जब तक कोई इस पर्टिकुलर फील्ड ये जो फील्ड है इसको फिल नहीं कर लेता है तब तक ये काम नहीं करता। बट अब हाँ मैं अगर ये कर देता हूँ फिल, सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है, आपका सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कहाँ गया डेटा, कहीं नहीं गया डेटा, डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया है। देखिए विनोद ये जो भी है इस तरीके से आपका यहाँ पे डेटा बहुत क्लियरली देख सकते हो। सो गाइस ये ना बहुत ही ज्यादा ऑसम, सो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप कैसे क्रिएट कर सकते हो विथ कंप्लीट वैलिडेशन, जितना जावास्क्रिप्ट लगने वाला है हम सब कुछ स्क्रैच से करने वाले। एंड गाइस एक और ऑसम न्यूज है कि एट द एंड मैं आपको ये बताऊंगा कैसे आप इसको लाइव होस्ट कर सकते हो विद होस्टिंग। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा था ऑलरेडी ये लाइव होस्ट कर चुका हूं मैं, एंड मेरा लाइव होस्ट करने का मेन मकसद ये था, क्योंकि बहुत बार वीडियो में हम आपको जो दिखाते हैं बट रियलिटी में जब आप उस कोड को कॉपी पेस्ट करते हो वैसा नहीं दिखता है, आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, टेंशन आ जाता आपको। सो वैसा टेंशन आपको ना आए, मैं लाइव होस्ट कर चुका हूं, ये पर्टिकुलर यूआरएल को आप हिट करना तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा, आप चेकआउट कीजिएगा। सोर्स कोड भी मैं बिल्कुल फ्री करने वाला हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस अभी होस्टिंगर में सेल भी चल रहा है, मैं इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा ये ऑसम कूपन कोड है थापा7, जिसमें आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट, तो उस कूपन कोड को भी अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी ये सब कुछ एट द एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे एंड मैं तो लिटरली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि 2024 में फाइनली फॉर्म वैलिडेशन में लेके आ गया हूँ, आज से 6 साल पहले मैंने ये बनाया था, ठीक है। सो देखिए गाइस ये बहुत ही प्यारा स्वीट सा डिजाइन मैंने रखा, एकदम मॉडर्न यू नो। तो एक चीज तो मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहूंगा, दैट इज फ्रॉम माई एंड CSS एंड HTML कोड ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि JavaScript का मेन फंक्शनैलिटी जो वैलिडेशन है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो CSS अगर आपको नहीं आता है डोंट वरी, मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट CSS कोर्स Part 1 एंड देन Part 2 अपलोड कर चुका हूँ, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, सब कुछ फ्री है यहाँ पे भी। HTML का कोर्स भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसको भी चेकआउट कीजिएगा। JavaScript का भी कोर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसको भी चेकआउट कीजिएगा, मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, मैं लिख के दे सकता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट नहीं ये वर्ल्ड बेस्ट कोर्सेस है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, प्लीज आप इसको एक बार चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, दोस्तों को भी भर भर के शेयर जरूर कर दीजिएगा।
एंड फाइनली आफ्टर 3 डेज में रिएक्ट सीरीज भी लेके आने वाला हूँ, तो उसी बात पे एक लाइक एंड दोस्तों को भर भर के शेयर जरूर कर दीजिएगा। आई नो बहुत बातें हो गई, अब जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो देख लीजिए, सिंपल है, अगर आप इस पर्टिकुलर डिजाइन को देखते हो है ना, तो आपको क्या दिखता है, वी हैव वन फॉर्म जो कि एक्चुअल फॉर्म यहाँ पे है, ठीक है, देन वी हैव वन टेक्स्ट ओवर हियर, सिंपल, कोई टेंशन नहीं है ना। एक हमारे पास बॉक्स है, एक डीप है, उसके बाद एक टेक्स्ट है। डीप आप किसी में भी ले लो, सेक्शन ले लो या डीप टैग ले लो, जो आपको मन हो ले लो। देन वी हैव वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, H1 ले लो, पैराग्राफ ले लो, किसी में भी ले लो, बट हम क्या लेंगे, हेडिंग H1 टैग लेंगे। उसके बाद गाइस व्हाट वी हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट ये, एंड ऑब्वियसली आपको मालूम है क्या, ये आपका एक फॉर्म है, एंड व्हेन इट कम्स टू योर HTML वी हैव अ फॉर्म टैग। तो कितना ज्यादा इजी है, चलो और फर्दर डीप और डाइव करते हैं। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर छोटी छोटी चीजें आपको जो दिखाई दे रही है, ये है आपके आइकन्स जो हम एक लाइब्रेरी की मदद से यूज करने वाले। सो लाइक वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस विद अस इन 2024 कि जहां पे अब आपको कुछ करने की नीड नहीं, ऑलरेडी वी हैव अ पैकेजेस, वी हैव ऑनलाइन रिसोर्सेस, CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, मतलब यूं चुटकी में काम हो जाता है, ठीक है, ये आपको पता चला। एंड देन वी हैव दिस पर्टिकुलर, आप ये एक जो पर्टिकुलर फील्ड देख पा रहे हैं यहाँ पे, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये है हमारा एक्चुअल में इनपुट फील्ड। एंड आई नो अब इनपुट फील्ड हम कैसे बनाते हैं, सिंपल, वी हैव अ इनपुट टैग, सिंपल राइट, एंड उसमें ये जो यूजर नेम, ये जो फोन नंबर ऐसे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये आपके प्लेस होल्डर्स है, सिंपल। एंड फाइनली एट द एंड वी हैव दिस ऑसम बटन जिसमें हमने हुबर इफेक्ट भी बहुत प्यारा रखा हुआ है, जिससे ये मतलब मजा आ जा रहा है। एंड बटन पाने के लिए आप या तो इनपुट टाइप सबमिट लिख सकते हो या तो बटन टैग यूज कर सकते हो। एंड बाकी ये जो एक प्यारी सी लड़की जो है, ये हम एक आइकन है, एंड ओवर हियर इट्स ऑल्सो एन आइकन। एंड गाइस ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है, ये मैंने कलर लिप से लिया था क्योंकि वहां पे आपको फ्री में बहुत सारे मिल जाते हैं, तो मैंने सोचा जब इतना प्यारा सा हमें मिल रहा है तो क्यों ना हम इसको यूज कर लिया, है ना। सो या अब मैं आपको एक्चुअल में बताता हूँ, थ्योरी आपको पता चल गया, अब नाउ इट्स कम्प्लीटली प्रैक्टिकल, ठीक है। सो वी हैव दिस फॉर्म एक्शन, ठीक है, जिसपे अगर आप एक्शन टैग ना भी लिखो तो भी चलेगा। सो वी हैव वन फॉर्म, मैंने आपको बताया, देन वी हैव दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद एक डीब है जिसको मैंने फॉर्म होल्डर रखा हुआ है, एंड इससे हम इतना मैटर नहीं, बस मैटर करता है तो हमारा उसके अंदर ये जो एक स्पैन टैग है, यही है आपका एक स्पैन टैग जिसके चलते आपको ये आइकन दिखाई दे रहा है। एंड देन वी हैव दिस इनपुट फील्ड जिसमें हमारा डेटा होगा, एंड वी हैव दिस प्लेस होल्डर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी एक बात ये है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, आपको ये दिखाई दे रहा है, द रीजन बिहाइंड इज कि हमने यहाँ पे टाइटल टैग यूज किया होगा कहीं तो भी, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। वैसे तो आई डोंट नो, ये टाइटल टैग यूज करने पे आता था बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे ये जो एक एट्रीब्यूट दैट इज योर रिक्वायर्ड, इट मीन्स नो मैटर व्हाट, आपको ये अगर मैं छोड़ दूंगा ना, चलो ये तो मेरा अपना खुद का ऑलरेडी लाइव हो चुका है, बट इनिशियली कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है जिसमें अगर आप जावास्क्रिप्ट का एक भी वर्ड फिल नहीं करते हो तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देता है जहां पे ये कुछ तो भी फिल करो बता रहा, मतलब काइंड ऑफ HTML5 अपने आप में इतना कैपेबल है कि वो छोटा मोटा आपका ये फॉर्म वैलिडेशन तो कर ही देता अगर आप रिक्वायर्ड कीवर्ड लिखते हो तो। एंड देन मैंने ऑटो कंप्लीट ऑफ लिखा, एल्स अगर आप ये नहीं लिखते हो तो इससे पहले किसने ये फॉर्म फिल किया था उसका डेटा यहाँ पे आपको एज अ सजेशन में आ जाएगा जो हमें नहीं चाहिए, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक तो टाइप आप देखना है ध्यान से, कोई भी इनपुट फील्ड हो वहां पे टाइप सबसे पहले आपको देखना है, एंड सेकंड आपको ये देखना है कि उस पर आप आईडी दे रहे हो या नहीं। एंड एक और रहता है नेम एट्रीब्यूट, बट वो हम जब रिएक्ट में करेंगे तब बताऊंगा, बट इन जावास्क्रिप्ट हमें उसकी नीड नहीं है फिलहाल अभी, जब तक हम इसको बैक एंड से कनेक्ट नहीं करते, ठीक है। सो वी हैव दिस टाइप एंड देन वी हैव दिस आईडी, ये इंपॉर्टेंट है। एंड एट द एंड में आपके माइंड में आ रहा होगा यार ये एरर कैसे मुझे ठीक उसी के नीचे आ रहा है, उसी का ही एरर कैसे आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, हर एक फॉर्म होल्डर जो कि एक इंडिविजुअली एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें एक उसके अंदर जो फॉर्म डेटा है वो यहाँ पे खत्म होता है, ठीक, उसके बाद मैंने एक और डीप ली है दैट इज फॉर आवर एरर, एंड हर एक एरर को भी मैंने एक आईडी में एक पर्टिकुलर एरर आईडी दी रहे दिया हुआ है, इट्स सेपरेट आईडी क्योंकि आईडी हम सेम नहीं रख सकते, हम अपने क्लासेस को सेम रख सकते बट आईडी को नहीं रख सकते, ठीक है। तो सेम फॉर्म के साथ वही किया, फोन एरर, ईमेल एरर, पासवर्ड एरर, एंड देन वी हैव दिस कंफर्म पासवर्ड एरर, बाकी सब कुछ सेम है। टाइप मैंने बताया, अगर आप पासवर्ड के साथ खेलो तो यू नीड टू गो विद द पासवर्ड वाला फील्ड, अगर आप फोन के साथ खेलो तो आप नंबर लिख सकते थे बट टेक्स्ट भी काम करेगा,
एंड ईमेल के पास वी हैव ईमेल ऑल्सो, बट हम वैलिडेशन कर रहे हैं तो हम टेक्स्ट लिखेंगे तो भी काम करेगा। अगर आप बिना वैलिडेशन प्योर एचटीएमएल के साथ जाना चाहते हो देन यू कैन गो विथ ईमेल यहाँ पे, ठीक है, टाइप ईमेल इस तरीके से, ये भी आप कर सकते हो, बट वी विल गो विथ टेक्स्ट फॉर नाउ, दिस इज इट। तो ये था गाइस आपका एचटीएमएल। मैंने आपका देखो कितना समय बचाया है ना, वरना बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। एंड आई नो वो मैं लिखता तो यही, जो आप एट द एंड 90% लोग आप में से इसको कॉपी पेस्ट ही करने वाले, कोई भी इसको टाइप नहीं करने वाला है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा आप, मैं आपका टाइम बचा देता हूँ। एंड सीएसएस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ऑलराइट, तो सीएसएस अगर मैं आपको बता दूँ तो इट्स अ डे नंबर 50। वाओ, फाइनली अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ये, है ना। सो वी हैव दिस सीएसएस। सो गाइस आप यहाँ पे सीएसएस का पार्ट देख सकते हो। सीएसएस एकदम ईजी है, प्योर सीएसएस है, हमने कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क यूज नहीं की है। मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट सीएसएस कोर्स अपलोड कर चुका हूँ, तो इसको अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, मजा आ जाएगा। ये तो फिर एक बार ये वीडियो देख लिया ना मेरा, मैं लिख के देता हूँ ये वीडियो को, अरे ये तो बच्चों वाला, आप ऐसा बोलोगे मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। सो या दिस इज इट, बाकी इसमें ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, वी हैव दिस स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड वी हैव दिस js एंड देन मेन डॉट js पे मैं चल देता हूँ, ठीक है। हम इस पे काम करेंगे तो, लेकिन हम डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, वी नीड टू गिव दिस सोर्स जहाँ पे .forward/ वी हैव दिस js एंड देन मेन डॉट js, ठीक है। एक काम करते हैं, क्या ये काम कर रहा है, लेट चेक इट आउट। एंड यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। ऑलराइट, आई नो फॉर्म की स्पेलिंग रॉन्ग है, बट इट्स फाइन, है ना। बस एक बार ये करके देखते हैं, सबसे पहले इसको मैं हटाता हूँ। अगर हमें यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड 3, 2, 1 एंड ओ माई गॉड, सी इट्स अ वेलकम टू फॉर्म वैलिडेशन, मतलब हमारा जो जेएस का फाइल है हमारे एचटीएमएल फाइल के साथ प्रॉपरली वो कनेक्ट हो गया है, अटैच हो गया, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। चलो इसको मैं हटाता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि हर एक इनपुट फील्ड में आई मीन यूजर ने डेटा लिखा है या नहीं, हमें उसको मेक श्योर करना है। सिंपल, सबसे पहले मुझे हर एक इनपुट फील्ड का डेटा चाहिए, आई मीन एक्सेस चाहिए या वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने हर एक इनपुट फील्ड को एक आईडी दे रखी है जिसके थ्रू मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, फॉर आवर टेक्स्ट यूजर नेम वी हैव दिस आईडी नेम, आईडी कॉल यूजर नेम, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके जिसमें से दो एकदम इंपॉर्टेंट है, गेट एलिमेंट बाई आईडी और अ क्वेरी सिलेक्टर, आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। ये डोम के अंदर आता है एंड ये जो डोम है मैंने बहुत इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन की है विथ प्योर, और हमारा जो डोम ट्री होता है ना उसके साथ कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको एक बार चेकआउट कीजिएगा डोम का, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा बिटवीन गेट एलिमेंट बाई आई डी वर्सेज क्वेरी सिलेक्टर। सो लेट्स गो विथ कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे चलो यूजर नेम ही रखा हुआ है, है ना। सॉरी, यू नीड टू राइट फर्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी एंड यहाँ पे चल के आपको पेस्ट कर देना है। एंड गाइस अगर आप इसको क्वेरी सिलेक्टर की मदद से करना होता वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। एक चीज यहाँ पे याद रखना, नो मैटर व्हाट डॉक्यूमेंट आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि डोमी वो एक ऐसी मीडियम है जिसके चलते जावास्क्रिप्ट जो है एचटीएमएल के साथ इंटरेक्ट कर पाता है, कनेक्ट कर पाता है। मैंने बहुत अच्छे से डोम एक्सप्लेन की है मेरे कोर्स पे, प्लीज देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा अरे डोम बहुत ईजी है, ठीक है। सो वी नीड टू गो विथ क्वेरी सिलेक्टर। अब एक चीज बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे भी आप यूजर नेम लिखोगे, बट क्वेरी सिलेक्टर में आप आईडी भी यूज कर सकते हो, आप क्लासेस भी यूज कर सकते हो। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनका अपना अपना एक सिग्नेचर है, डेट इज की आईडी के लिए हम हैशटैग यूज करते हैं, फॉर क्लासेस वी यूज डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हैशटैग इस तरीके से यूज करना पड़ता, तो दोनों आप करोगे तो गाइस आपको काइंड ऑफ सिमिलर ही रिजल्ट आएगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, बट इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन मैंने सोचा कि वो एक एक्स्ट्रा ये हैशटैग यूज करूं मैं फिलहाल के लिए, है ना। जब हम डायरेक्टली आईडी की मदद से मुझे उस एलिमेंट को गेट करके दो डायरेक्टली, ये जब हमारे पास तो हम इसका यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से यहाँ पे चलता हूँ और आपको यूजर नेम दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है, मैंने जो अभी कोड लिखा। ऑब्वियसली आपको मैं चाहता हूँ ये एकदम बेस्ट वीडियो हो, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाए एंड दिस इज इट। तो यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ये पर्टिकुलर टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट यूजर नेम, क्योंकि मैंने यूजर नेम को चाहा था, मुझे वो मिल गया। बट वॉट इफ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लेट्स से थापा, ठीक है, फिलहाल तो आपको मिलेगा नहीं, बट एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड डॉट वैल्यू। तो ऑलवेज मेक श्योर करना, जब भी आप इनपुट फील्ड के साथ खेलते हो देन आपके पास एक डिफॉल्ट वैल्यू है, डेट इज डॉट वैल्यू। तो ये वैल्यू एट्रीब्यूट है जिससे यूजर जो भी यहाँ पे टाइप करता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है।
फिलहाल तो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। एंड बाय द वे मुझे कुछ अभी मिलेगा नहीं, क्योंकि वैल्यू बिल्कुल भी एम्प्टी, आई मीन वैल्यू टोटली एम्प्टी है। बट अभी मैं आपको बताता हूँ, जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तब दिखाता हूँ मैं, ठीक है? बट एटलीस्ट आपको इतना पता चलिए। एंड बाय द वे ये अब बाकी सेम चीजें बाकी के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे ईमेल, फोन, पासवर्ड एंड देन वी हैव दिस कंफर्म पासवर्ड, जहाँ पे सेम वही है, गेट एलिमेंट बाय आईडी ईमेल, हमारा जो ईमेल का फील्ड है, मैं वो 7x7 दिखाई भी देता हूँ। सो वी हैव दिस ईमेल, हाँ इनपुट टाइप ईमेल है। फोन के लिए वी हैव दिस फोन, पासवर्ड के लिए वी हैव दिस पासवर्ड, एंड देन फॉर आवर कन्फर्म पासवर्ड वी हैव दिस कन्फर्म पासवर्ड। एंड ये सारे के सारे आपके इनपुट फील्ड है, डेट्स वाई आई कैन यूज डॉट वैल्यू एट्रीब्यूट, ताकि मुझे उनकी वैल्यू मिल जाए। अब ये सभी की सभी चीजें तो चलो हमें मिल गई, लेकिन ये हमें कब चाहिए रहता है, जब भी कोई फॉर्म को सबमिट करेगा तब। अब आप देख सकते हो, मैंने इसको प्योर जावास्क्रिप्ट बनाने के लिए मैंने नॉट इवन लाइक एचटीएमएल में जो हम बाय डिफॉल्ट जो इवेंट ऐड करते हैं ना, वो भी मैंने नहीं की। मैंने क्या किया, डायरेक्टली हमारा जो बटन है, ठीक है, आपको टाइप सबमिट लिखने की भी नीड नहीं है। बाय डिफॉल्ट फॉर्म में एक एक डिफॉल्ट बिहेवियर है, एंड दैट इज अगर आप फॉर्म टैग यूज करते हो एंड उसके अंदर अगर आप कोई भी बटन ऐड कर देते हो एंड अगर आप उसको प्रेस करते हो, बाय डिफॉल्ट वो फॉर्म को सबमिट कर देता है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि बटन एक ही हो फॉर्म टैग के अंदर, टाइप सबमिट लिखो ना लिखो वो सबमिट कर देगा। एंड एक और डिफॉल्ट बिहेवियर ये है, जब वो सबमिट कर देता है तो वो पेज रिफ्रेश भी कर देता है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक डिफॉल्ट बिहेवियर है। दो तीन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट टाइम जो बिगिनर्स होते हैं वो यहाँ पे अटकेंगे ही अटकेंगे। तो मैंने बटन को एक क्लास दे रखा है, ये यहाँ पे मैं चलता हूँ। अब ध्यान से देखना इसको करने के डिफरेंट तरीके मैं कैसे करता हूँ। सो इट्स अ डॉक्यूमेंट डॉट, वो क्या था, इज इट अ आईडी और अ क्लास, इट्स अ क्लास। अब ध्यान से देखना, ये क्लास था। सो मैं यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर यूज करूंगा, क्योंकि गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी है, बट वो फिर लाइक आपको एक एचटीएमएल कलेक्शंस दे देगा। हालांकि एक ही है तो प्रॉब्लम नहीं, बट फिर भी रिस्क नहीं लेना है। सो यहाँ पे मैं क्लासेस के साथ जाऊंगा, ठीक है? तो ये भी आपको मेक श्योर करना है कि कब हमें क्वेरी सिलेक्टर यूज करना है, कब गेट एलिमेंट बाय आईडी या बाय क्लास नेम या टैग नेम या ये या वो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है? ऑलराइट, सो वी हैव दिस फॉर्म सबमिट, परफेक्ट। ना जब भी कोई अब मुझे डेटा तो कहीं ना कहीं मिल चुका है, तो अब मैं ये बोलूंगा जब भी कोई फॉर्म को करेगा सबमिट, उस पर मैं एक इवेंट ऐड करना चाहूंगा। एंड दैट इज कि जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक, देन मैं एक फंक्शन बेसिकली कॉल बैक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। अब इन सबको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। अब मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे, एक डिफॉल्ट बिहेवियर वो पेज को रिफ्रेश कर देता है, ठीक है? सो वो जो डिफॉल्ट बिहेवियर देखो ना, बाय डिफॉल्ट हमें मिलता भी है, उसको मैंने प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये आपकी इवेंट ऑब्जेक्ट है। इवेंट ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट आप यूज कर सकते हो, वेन एवर लाइक आप इवेंट कॉल करते हो या डिफाइन करते हो, तो ये आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो इतना लिखते ही बाय डिफॉल्ट सब एज इट इज है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको दिखा सकता हूँ, एंड दैट इज कि ये जो मेरी यूजर नेम है वो अब मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्योंकि जब भी कोई फॉर्म को करेगा क्लिक, उसके बाद मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ। तो अब इसका मतलब ये कि मैं यहाँ पे यूजर नेम जो भी लिखूंगा वो आप देख सकते हो, ठीक है? सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, सी ऑलराइट, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज कि मुझे ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर ये तब जाके ये रजिस्टर्ड होगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं मैंने एचटीएमएल 5 में जो रिक्वायर्ड कीवर्ड, जो बेसिकली कीवर्ड नहीं बोलना, रिक्वायर्ड जो एट्रीब्यूट है, वो जो मैंने जब इंक्लूड कर दी, बाय डिफॉल्ट ये फॉर्म वैलिडेशन हो चुका है। बट स्टिल देयर आर समथिंग जो हमें ध्यान में रखना है कि नहीं, मुझे तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्राइटेरिया को भी एज एन वैलिडेशन में ऐड करना है, तब हम अपना कस्टम वैलिडेशन यूज करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, चलो इसको रहने दो, मैं एंड में बताऊंगा, डोंट वरी। चलो ये मेरा काम हो गया, हमें सभी की वैल्यू मिल गई है। अब नाउ गाइस, अब हमें क्या करना होगा, हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है फॉर ईच इनपुट फील्ड, ठीक है? सो हम जल्दी से चलते हैं हमारे यहाँ पे, ऑलराइट, होस्टिंगर पे, फिलहाल बाद में जाएंगे। बट ये जो रेजेक्स 101 है, तो गाइस यहाँ पे मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ खेल सकते हो, ठीक है? लेट्स से दिस इज माय यूजर नेम, ठीक है? तो कभी भी अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हो, देन गाइस आपका ये दो फॉरवर्ड स्लैश देना जरूरी है, ये आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग बेसिकली ये करना है। बट यहाँ पे आपको उसके साथ साथ आपको कैरेट साइन देना है फॉर स्टार्टिंग एंड देन डॉलर फॉर एंडिंग, इसके बीच में आपको अपना कोड लिखना है। तो ये क्या गाइस, इट्स अ टोटली स्ट्रिंग ओनली, तो मैं कैरेक्टर क्लास ले सकता हूँ, मैं बोलूंगा फ्रॉम ए टू हाइफन, हाइफन देना है,
एंड देन स्मॉल ए टू जेड एंड देन सिंपल। अब है ना, जीरो से नाइन भी आप इंक्लूड कर दो, क्योंकि कोई अपने नाम में ये भी लिख, एक काम करो नाम में कभी ये तो होगा ही नहीं, जो भी हो, एंड देन एक स्पेस आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, एंड आप बोल सकते हो कि ये जो है कम से कम तीन चाहिए, एंड देन अब आपको कितना चाहिए, लाइक तीन तो मिनिमम हो गया, बट उसके अलावा कितना चाहिए, 15 में एक काम करते, 15-20 कर देते, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर मैं वन मैंने अगर वन ऐड कर दी देन ये काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि एक न्यूमेरिक डिजिट है, एंड हमने बोला कि सिर्फ और सिर्फ अपर केस एंड देन लोअर केस में ही आप यूज कर सकते हो, एंड एक स्पेस ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ये देखो ना, अगर मैंने बाई डिफॉल्ट इसको मैं हटा रहा हूँ तो अब ये परफेक्ट है, अभी भी ये परफेक्ट है, अगर मैंने यहाँ से स्पेस हटा दी ये काम नहीं करेगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। बट इन रियलिटी नाम तो मेरा विनोद स्पेस थापा ही है ना, क्योंकि एक मेरा फर्स्ट नेम है, एक मेरा लास्ट नेम है, इसलिए बहुत सारे लोग फॉर्म वैलिडेशन में फर्स्ट नेम अलग लास्ट नेम अलग करते, बट ये कोई कंपलसरी नहीं कि हमें अलग अलग ही करना है, बहुत सभी लोग तो फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड देन लास्ट नेम भी करते हैं, तो इसलिए मैंने एक स्पेस ऐड कर दी ताकि ये आपका काम कर दे। आप ये भी कर सकते, ऐसे भी आप कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप इजीली ट्रिम मेथड यूज कर सकते हो, यू नो, उसको हटाने के लिए, मतलब बहुत ऑप्शंस है अपने पास, बट हाँ हम ये जरूर कर सकते हैं। एंड चलो ठीक है यार, अगर आपको लगता है कि नहीं कोई किसी ने अपना नाम भी यू नो इस तरीके से वन लिख दिया, हो सकता है कोई ऐसा कर दे, तो चलेगा हम उनको अलाउड कर देते। तो ये जो है ना, ये आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया है फॉर व्हाट, फॉर आवर यूजर नेम, यूजर नेम को पाने के लिए। सो गाइस हम कॉन्स्ट यूजर नेम रेजेक्स ना इस तरीके से मैं लिख के, देखो आपको ये दो फॉरवर्ड स्लैश देना जरूरी है, कैरेट साइन, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, एंड जो हमने लिखा सो लिखा, बाय द वे हम ऑलरेडी हमने कैरेट वहां पे भी लिखा ही था, तो इसको मैं हटा देता हूँ, या दिस इज इट। सो ये जो पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ये हमने बनाया है टू वैलिडेट वेदर द यूजर नेम इज वैलिड और नॉट, सिंपल, ठीक है। अब उसी तरीके से गाइस वी हैव मल्टीपल यूजर नेम जो मैं यहाँ पे आके पेस्ट करना चाहूंगा। ऑल राइट गाइस, तो हमने यूजर नेम देख लिया, अब हमें देखना है पासवर्ड, एंड बिलीव मी पासवर्ड भी इजी है, लेकिन तब जब आपको पता हो सिंपल सिंटेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन के, एंड आई गेस शायद आप में से बहुतों को नहीं आइडिया होगा, तो कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोगों के टाइम को बचाने के लिए मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन इन वन शॉट, जिसमें सिर्फ 20 मिनट में मैंने कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन बताया, तो इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत हेल्प होगी, पूरी लाइफ पढ़ी है यार, मतलब मजा आ जाएगा, आपका जो नजरिया है वैलिडेशन वो चेंज हो जाएगा, पासवर्ड वैलिडेशन, मोबाइल नंबर वैलिडेशन, एंड कहीं तो भी मैंने ईमेल वैलिडेशन भी बहुत इन डेप्थ में किया हुआ है, प्लीज इन वीडियो को भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, एंड वहीं से ही मैं अपना ये जो कोड है आप लोगों को वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जिनको आता है तो कैसे आप इसको स्किप कर सकते हो, आप भी आप नेक्स्ट चैप्टर से वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, मतलब वीडियो को स्किप नहीं करना है, जस्ट चैप्टर्स मैंने दिए, आप थोड़ा आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हो, बट जिनको नहीं आता मुझे उनका भी चिंता है, मैं उनका भी टेक केयर करना चाहूंगा, है ना। तो सबसे पहले देखना, ये थोड़ा आपको फैंसी बहुत ओ माय गॉड क्या लग सकता है, बट मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने कोड लिखा है इसका सिंपल मतलब ये है कि मैं कोई भी इस तरीके से कैपिटल लेटर लिख सकता हूँ, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ तो भी ये हाईलाइट मैच हो रहे हैं दोनों के दोनों, बट लेट्स से अब मुझे कम से कम एक स्मॉल कैरेक्टर भी तो चाहिए, स्मॉल लेटर भी तो चाहिए पासवर्ड में, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने पैरेंथेसिस ले ली, ठीक है, देन एक क्वेश्चन मार्क लूंगा मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, फिर गाइस एक क्वेश्चन मार्क लेने वाला हूँ, चलो ठीक है, देन मैं एक इस तरीके से इक्वल टू कर दूंगा। तो अब होगा ये कि अगर मैं इसको होवर करता हूँ तो नाउ ये मेरा एक सिंटेक्स है जो कि बन जाता है आपका पॉजिटिव लुक अहेड। सो गाइस यहाँ पे जो पॉजिटिव लुक अहेड का सिंपल मतलब ये कि आपने अभी एक ऐसा सिंटेक्स लिख लिया, अब यहाँ पे आप जो भी डेटा फिल करने जा रहे हो ये मेक श्योर करेगा कि वो मैच हो रहा है या नहीं। कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए, जब भी आपसे कोई भी पूछे कि इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड में ये एक पर्टिकुलर चीज जो है वो एटलीस्ट एक बार आना ही चाहिए, तब आप इस सिंटेक्स को आंख बंद कीजिए एंड यूज कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको सिंपल एक डॉट यूज करना है, डॉट का सिंपल मतलब होता है एनी कैरेक्टर, अब आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो, ठीक है, इन रेजेक्स। देन हम एक एस्ट्रिक यूज करेंगे, अब ये एस्ट्रिक भी अपना इसका एक मतलब वैल्यू है, हाँ जो एस्ट्रिक है इन रेजेक्स इसको हम क्वेंटिफायर्स कहते हैं, इसका मतलब होता है ये मैच करता है क्या, मैच द प्रीवियस टोकन बिटवीन जीरो एंड देन अनलिमिटेड, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि अब इसके बाद मैं लिखने जा रहा हूँ स्मॉल ए से लेके जेड तक, इसका सिंपल मतलब ये है
कि अब अगर कल के दिन मुझे पासवर्ड लिखना रहा तो मैं अब स्मॉल ए से स्टार्ट कर सकता हूँ अपने पासवर्ड को, क्योंकि अगर आप ये स्टार नहीं लिखते यहाँ पे, एंड आपने ये तो डॉट यहाँ पे लिख दिया एंड हमें लिखना पड़ता है, तो डॉट मतलब कुछ भी मुझे एक चीज लिखना पड़ता है, चाहे स्मॉल ए ही हो या कैपिटल ए हो या नंबर हो या स्पेशल कैरेक्टर, कुछ ना कुछ एक लिखना ही पड़ता। उसके बाद फिर मैं ये जो है अपना स्मॉल लेटर लिख पाता था। बट अब मैंने एस्ट्रिक यूज कर दी है। एस्ट्रिक का मतलब है कि कोई भी कैरेक्टर आप लिखो ना लिखो चलेगा, लेकिन ये आप जरूर लिखिए। समझ रहे हो? मतलब एस्ट्रिक का मतलब ही यही है कि उससे पहले जो भी एलिमेंट है, देखो ना यहाँ पे लिखा भी है ना, मैचेस प्रीवियस टोकन बिटवीन 0 एंड अनलिमिटेड, तो ये वो पावर दे रहा है कि इससे पहले कुछ ना भी हो तो भी ये ओके कर देगा, मतलब चलेगा। वहीं इसके बदले अगर आप प्लस यूज करते तो गाइस इसका है कि कम से कम एक तो भी चाहिए, कम से कम एक तो भी कुछ कैरेक्टर होना कंपलसरी है। इसका मतलब क्या कि आपको स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड के बीच में कुछ भी लिखने से पहले एक कैरेक्टर लिखना ही पड़ता, नो मैटर व्हाट। चाहे वो आप स्मॉल ही लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिर भी आपको लिखना ही पड़ता वो एक चीज, तो वो पावर ना, मतलब वो झंझट ना हो, इसलिए हम ये लिखते। तो आप इतना समझ लो, जब भी कोई आपसे बोले एटलीस्ट ये होना ही चाहिए, आप इस तरीके से ये पैटर्न बनाएंगे। और ये जो डब्बा खाली, इसके अंदर ये लोअर केस के लिए हो गया, कॉपी करो है ना, इसी को यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये अब आपको लेट से नंबर चाहिए तो 0-9 कर दो है ना। तो गाइस अब आई होप आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो अब मैं इसको सिंपली कॉपी कर देता हूँ एंड देन पेस्ट। तो यहाँ पे 0.9 को आप इस तरीके से हाइफन डी भी लिख सकते हो, इट मीन्स एनी डिजिट। अगर अब बड़ा डी होता तो मतलब फिर नॉन डिजिट हो जाता वो, ठीक है। एंड ये जो दिखाई दे रहा है, दिस इज फॉर योर स्पेशल कैरेक्टर, एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर। मतलब अगर आप कैपिटल डब्ल्यू लिखते हो, इट मीन्स एनी नॉन वर्ड। बट एक प्रॉब्लम इसमें ये है फिर कि ये जो नॉन वर्ड में ना एक अंडरस्कोर को भी ये लोग ने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। मतलब ए से लेके जेड, चाहे वो स्मॉल हो कैपिटल हो, नहीं होना, और 1-2-3 भी नहीं होना, ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये नहीं लिख रहे इसका मतलब ऑब्वियसली हम स्पेशल कैरेक्टर लिख रहे, वो मुझे हो गया। लेकिन साथ ही साथ ये जो अंडरस्कोर है, ये भी कहीं ना कहीं हम स्पेशल कैरेक्टर में मानते हैं बहुतों को, हम मानते ही है, चलो ये मान लेते। बट इन रेजेक्स अगर आप ये यूज कर रहे हो तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, आप अगर आप यूज करोगे तो वो एरर आ जाएगा, क्योंकि ये इसको एक वर्ड मानता है, नॉन वर्ड नहीं मानता है। डेट्स वाई यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो मैंने एक एक्स्ट्रा अंडरस्कोर दिया हुआ है, ताकि इसको भी आप इंक्लूड कर दीजिए, सिंपल। एंड देन वी हैव दिस डॉट सिंपल मैचेस मैच कराने के लिए, एंड मिनिमम आरटीए रेंज है आपका, क्वांटिफायर बोलते, कम से कम 8 होना, मैक्सिमम कितना भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड गाइस सेम आई होप आप समझ गए होंगे। एंड देन गाइस वी हैव दिस पासवर्ड, आई मीन सॉरी, दिस इज योर ईमेल, जहां पे गाइस ये जो पर्टिकुलर पोर्शन दिख रहा है ये नॉन कैप्चरिंग ग्रुप है। थोड़ी देर पहले हमने पॉजिटिव लुक अहेड देखा था, नाउ दिस इज योर नॉन कैप्चरिंग ग्रुप। एंड इसका सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पे अब मैं ये वाला जो पर्टिकुलर ईमेल आईडी है इसका यूज कर सकता हूँ। ये पर्टिकुलर लाइन लिखने का मतलब ये था कि मैं एटलीस्ट अब बीच में एक डॉट यूज कर सकता हूँ, एंड सिर्फ डॉट नहीं, मैं एक परसेंटेज एंड अंडरस्कोर भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ईमेल में वो अलाउड है। एंड ये बाकी सब वही है, स्टार मतलब कितनी भी बार मैं लिख सकता हूँ। एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन दिखाई दे रहा है, आफ्टर द @ मैं कितना भी कुछ भी लिख सकता हूँ, प्लस मतलब कितना भी हो गया, फिर एक डॉट, डॉट के बाद मुझे मिनिमम दो तो चाहिए चाहिए, एंड उसके बाद मैं कितना भी लिख सकता हूँ, सिंपल। एंड प्लीज मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, कुछ नहीं बिगड़ रहा है, मैं आपको कहीं इस वीडियो से उस वीडियो में नहीं लेके जा रहा हूँ, मेरा अपना खुद का ही वीडियो है। मैंने बहुत मेहनत करके ऑलरेडी ईमेल आईडी पे मैंने आई गेस गलती कर दी, मैंने लिखा नहीं, बट मैं लिंक शेयर कर दूंगा। इनमें से कोई एक वीडियो है जिसमें मैंने एकदम डिटेल में आप, ओ सॉरी, ये जो आप रेगुलर एक्सप्रेशन जो देखने जा रहे हो ना, इसी पे ही मैंने @ में ईमेल आईडी भी आपको बताई है। प्लीज एक बार चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। एल्स आप अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। एंड गाइस मोबाइल नंबर तो क्या बोलना, वो तो बच्चा है। मोबाइल नंबर तो मैं अगर सिर्फ पेस्ट कर दूंगा, अब आप समझ गए, अब आप समझ चुके हो, अब आप समझ चुके हो यहाँ पे क्या हो रहा है ना। इस तरीके से सिंपल मैंने बोला मुझे एक चाहिए 6-9, मतलब 6789, इनमें से कुछ भी एक हो सकता है। उसके बाद डिजिट होगा जो कि कम से कम 9 होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, सिर्फ 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी एक 6789 हो जाएगा, और बाकी 9 कैरेक्टर, ये आपका मोबाइल नंबर हो गया, सिंपल है ना। ये देखो ना यहाँ पे सिलेक्ट भी हो चुका है,
एंड दिस इज इट. अगर आप एग्जैक्टली आप 10 कैरेक्टर लिखोगे आपका ये काम हो गया. ठीक है, सो आई होप गाइस ये जो मेन वैलिडेशन था ये तो आपको पता चल गया है. फिर से इनको आप चेकआउट कीजिएगा एंड जावास्क्रिप्ट वाला वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको. ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं. ऑल राइट, हमारा कोड यहाँ पे है. तो ठीक है, अब इन सब के पास एक मेथड है जिसका नाम है डॉट टेस्ट. अब हम वो करेंगे. तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लेट्स चेक इट आउट आवर यूजर नेम. हम सबसे पहले चलो यूजर नेम को वैलिडेट करके देखते हैं, ना मजा आ जाएगा. अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा गाइस, इफ ये जो पार्ट है ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है. ठीक है, इस पर हमारे पास एक मेथड है जो मैंने अभी आपसे कहा टेस्ट. इस पर अब मुझे क्या पास करना है, यूजर ने जो भी लिखा होगा यूजर नेम पे, दिस इज इट. अगर ये ट्रू नहीं होता है, मैंने नॉट ऑपरेटर यूज कर दी, मतलब अगर ये कंडीशन मैच नहीं हुआ तब मैं क्या करूंगा, वी हैव आवर एरर है ना, तो वी हैव आवर एरर वाला डिव. यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यूजर नेम एरर. यहाँ पे आइए देखिए, ध्यान से देखना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी यूजर नेम एरर एंड देन टेक्स्ट कंटेंट. टेक्स्ट कंटेंट या इनर टेक्स्ट या इनर एस्टेमल, इनमें से गैस आप कुछ भी लिख सकते हो. बट अगेन अब आपको नहीं आइडिया कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है. सो फॉर दैट प्लीज ये जो जास्केट वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, इसमें चाहता हूँ आप उसको जरूर देखिए. ठीक है, अब यहाँ पे अब ये लिख दीजिए, यूजर नेम इज नॉट वैलिड. कंट्रोल सेव कीजिए एंड ठीक है, कितना मैं करता हूँ फिलहाल के लिए, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ. एंड हो माई गॉड यूजर नेम इज नॉट वैलिड गाइस. वाह मजा आ गया है ना, यूजर नेम इज नॉट वैलिड. ये काम करता हूँ, ये देखो अब ये क्या हो गया भाई, ये क्यों ऐसा कर रहा है. ये देखो प्रॉब्लम ये है कि सब एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट द तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम बस इतना ही है कि अगर ये प्रॉपर नहीं हुआ तो एरर दिखाओ, लेकिन अगर यूजर बराबर नाम लिख रहा है तो उसको हटा दो. समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो तो हमने लिखा ही नहीं ना. तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ही हम टॉप पे एक मेरे पास एक चीज है जो कि होगा, वी नीड टू क्लियर आवर प्रीवियस एरर्स अगर यूजर ने उसको बराबर लिख दिया है तो. अब हम कैसे करेंगे, देखो एक चीज ध्यान में रखना, वी हैव दिस एरर है ना, ये क्लास है, ये एक क्लास है. तो मैं अब इस क्लास को ना लूप में चला दूंगा, एल्स मुझे यूजर नेम का डेटा लेके उसको फिर डिलीट कर दो, फिर मुझे ईमेल का डिलीट करो, पासवर्ड का डिलीट करो, कन्फर्म पासवर्ड का डिलीट करो, मोबाइल नंबर का डिलीट करो. इट्स हेक्टिक राइट, एंड वो तब काम आता है जब आप चेक कर रहे हो वैलिड है या नहीं, एंड देन उसके बाद आप हटाओ. हम तो डायरेक्टली बोल रहे अगर वैलिड नहीं है खत्म, एरर दिखाओ. ठीक है, तो हम यहाँ पे आप कर ही नहीं सकते वाला पर्टिकुलर पार्ट. तो मैं क्या करता हूँ, एक ऑसम चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत मजा आएगा. सो वी हैव अ डॉक्यूमेंट, मैं डायरेक्टली क्लियर करके दिखाता हूँ. ठीक है, गेट वी हैव एक सेकेंड, क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करने जा रहा हूँ. अगर क्वेरी सिलेक्टर आप देखो, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टर एंड सिलेक्टर ऑल का मतलब ये है कि सिलेक्टर ऑल में आप मल्टीपल इंस्टेंस को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, एंड हमारा ये जो क्लास है एरर ये तो मल्टीपल जगह पे है. अब हमने इसको सिलेक्ट कर दी है एंड अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, लूप चलाना है कि जितने भी ये एरर है उन सबको लूप चलाओ एंड उनका जो डेटा है उसको एम्प्टी कर दो. सो वी विल गो विथ फॉर ईच. अब ये भी सिंपल ही, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे जो भी आपका करंट एलिमेंट रहेगा तो उस करंट एलिमेंट का जो टेक्स्ट कंटेंट रहेगा एम्प्टी कर दो. सिंपल हमने ये बोला एंड ये कुछ नहीं, चेनिंग मेथड में नहीं यूज की है, सिंपल सा फॉर ईच में ये आपका करंट एलिमेंट रहता ही है एंड उसका टेक्स्ट कंटेंट. इनपुट फील्ड होता तो मैं यहाँ वैल्यू यूज करता. ठीक है, आप ध्यान से देखना, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा, पहले तो ये आपको आ जाएगा. बट अब अगर मैं बराबर अपना नाम लिखता हूँ एंड फिर से एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, सी वो चला गया क्योंकि अब मैंने एकदम करेक्ट डेटा यहाँ पे फिल्ड की है. ठीक है, ऑलराइट दिस इज इट, ये मेरा काम हो रहा है. एंड यहाँ पे एक और चीज है जो मुझे एट द एंड में ये मेक श्योर करेगा, क्या यूजर ने सारे के सारे डेटा एकदम बराबर लिखा है या नहीं. वी नीड वन कंडीशन, एक कंडीशन मुझे लगने वाला है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलराइट उसका चलो कोई कमेंट नहीं था उसका, लेट इज वैलिड एंड बाय डिफॉल्ट मैं ट्रू रख रहा हूँ. अब गाइस मैंने यहाँ पे ट्रू इसलिए रखा है क्योंकि हम बस यही चेक कर रहे हैं क्या वो गलत है.
अगर है तो भाई डायरेक्टली ये दिखा दो। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी को कॉपी करूंगा पेस्ट एंड मैं यहाँ पे फॉल्स। तो जब जब इसकी वैल्यू अगर फॉल्स रहेगी मतलब वो रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं है। तो अब मैं सिंपल लास्ट में लग सकता हूँ इज वैलिड खत्म। ये जो कोड होगा ये मेरा एक्चुअल कोड होगा एंड यहाँ पे आप अलर्ट करा दीजिएगा इस तरीके से रजिस्ट्रेशन सक्सेस। ये सक्सेसफुल की स्पेलिंग लिखना भी गाइस एक झंझट वाला काम है ना। ऑल राइट कोई नहीं, बट मैंने लिख दिया है तो सिंपल है ना। ऑल राइट परफेक्ट। अब यूजर नेम का काम मेरा हो गया है गाइस। सेम मुझे पासवर्ड के लिए भी वही करना है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं कर लेता हूँ कॉपी क्योंकि आपको पता चल गया। देखो ना पासवर्ड रेजेक्स डॉट टेस्ट, पासवर्ड जो एक्चुअल हमारा इनपुट फील्ड है ये है ना। क्या अगर वो ट्रू नहीं है, मतलब अगर वो मैच नहीं हुआ, यूजर ने प्रॉपर पासवर्ड नहीं लिखा है, तो फिर वही क्या पासवर्ड एरर लिया मैंने। बेसिकली हमारा पासवर्ड वाले फील्ड का हमने आईडी ली, टेक्स्ट कंटेंट में लिख दिया पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट इतना कैरेक्टर, वन अपर केस लेटर होना जरूरी है एंड एटलीस्ट वन चलेगा, ये भी चलेगा। इस तरीके से एरर मैंने लिख दी एंड फिर से इस वैल्यू को फॉल्स कर दी। उसी तरीके से मैं यहाँ चलूंगा ईमेल के लिए गाइस। सेम वही पार्ट मैंने ईमेल के लिए की, प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल खत्म। एंड देन एट द एंड वी हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट मोबाइल नंबर, जहाँ पे फोन नंबर मस्ट बी 10 डिजिट एंड स्टार्ट विथ 67819। सिंपल ऑल राइट परफेक्ट। इतना मेरा काम हो गया, सिर्फ एक चीज रह गया है एंड तो वो मैं जल्दी से कर देता हूँ, वैलिडेट कन्फर्म है ना पासवर्ड। ऑल राइट परफेक्ट। अब देखो इफ सिंपल है ना, क्या कंफर्म पासवर्ड में जो भी यूजर लिख रहा है या जो लिख चुका है एंड देन पासवर्ड वाले फील्ड में जो वो लिख चुका था, क्या दोनों सेम है या नहीं। देखो ना मेरे पास ऑलरेडी पासवर्ड वाले फील्ड की वैल्यू है, कंफर्म वाले पासवर्ड फील्ड की वैल्यू है। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा ना, क्या मेरा जो कंफर्म वाला पासवर्ड की वैल्यू है इफ इट इज ट्रिपल इक्वल टू जो पासवर्ड वाली वैल्यू है या नहीं। अगर ये नहीं है तो सेम यही चीज मैं अपनाऊंगा, सेम यही चीज मैं करने जा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे। एक काम कहीं से भी उठा लो यार, उठाओ, समझ रहे हो। मैंने ये चेक नहीं किया कि वो दोनों बराबर है या नहीं, मैंने बस ये चेक किया क्या दोनों सेम नहीं है। अगर नहीं है देन हमारा ये जो कन्फर्म पासवर्ड है एरर में कहाँ है, इधर है, ये हमारा एरर है फॉर कन्फर्म पासवर्ड। इसकी वैल्यू मैंने कॉपी की आई डी, यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर दूंगा, एक सेकेंड कॉपी यहाँ पे पेस्ट। अब मैं बस ये बोलूंगा कि पासवर्ड इज नॉट मैचिंग, खत्म एंड दिस इज इट। या खत्म मेरा काम हो गया। अगर ये सब के सब अगर देखो ना कोई भी एक गलत हुआ तो इस वैलिड जो है उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी एंड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कभी हमें नहीं मिलने वाला। ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी सब के सब में मुझे एरर आने वाला है। बेस्ट पार्ट ये है कि जब तक मैं पासवर्ड फील्ड एंटर नहीं करता मुझे कंफर्म पासवर्ड में एरर नहीं आएगा। अब आप समझ चुके क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसा है कि दोनों का होना जरूरी है वो एरर को पाने के लिए। सो गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विनोद एंड देन थापा, तो अब ये ठीक हो जाएगा। फोन नंबर में गाइस आप कितना हो गया ये, ऑलराइट। मेल में आप लिख दीजिए गाइस vinod@thapa.com, मेरा नहीं है मेल बाय द वे। एंड पासवर्ड में अरे यार यही तो झंझट है, अब मुझे खुद नहीं मालूम मैंने क्या लिखा अभी, जस्ट एक सेकेंड है ना। कॉपी आर्ट है या नहीं इसमें, एक काम करता हूँ सिर्फ ये लिख के अगर मैं एंटर हिट करूंगा तो ये तो परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे देखो पासवर्ड इज नॉट मैचिंग, ये एंटर हिट करता हूँ एंड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल एंड बूम गाइस मेरा काम हो गया। बट एक प्रॉब्लम है, ये जो सारे के सारे डेटा अभी भी इधर ही है, मुझे वो भी हटाना एंड ये मुझे तभी हटाना है जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा, मतलब इस जगह पे। अब यहाँ पे अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये सोच रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो यूजर नेम है, अगर बराबर होता तो यूजर नेम डॉट वैल्यू विल बी इक्वल टू ये, क्या आप ये सोच रहे हो। एंड देन वही पासवर्ड डॉट वैल्यू, ईमेल डॉट वैल्यू, फोन, ये मत करिए, आई मीन ऐसा मत लिखिएगा, बिल्कुल वेस्ट है वो। हम क्या करेंगे, लूप चला सकते हैं ना किसी भी हालत में। हमने हर एक इनपुट फील्ड में अगर आप देखोगे वी हैव वन क्लास फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और मजेदार वाली चीजें बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमने एक बार लूप चलाया था यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। लेकिन क्वेरी सिलेक्टर ऑल जब आप यूज करोगे तो फॉर ईच आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
बट जब बात आती है गाइस आपकी क्लास वाला जो भी एट्रीब्यूट है तब उसमें आप यूज करोगे तब आपको HTML कलेक्शंस मिलता है, क्वेरी सिलेक्टर में आपको नोड एलिमेंट्स मिलती है या नोड लिस्ट मिलती है, तो ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, दिमाग खाता है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को देख लीजिए, मैंने बहुत मेहनत की है। आप एक बार देखोगे आप खुद बोलोगे अच्छा है कि इसने मुझे इतनी बार बार बोल बोल के इस वीडियो में आ गया, ये वीडियो देखोगे आपका सिक्स सेंस जो होता है ना खुल जाएगा, आप फिर जावास्क्रिप्ट आपको इजी लगने लगेगी। तो ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। सो वी हैव अ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नॉट दिस पार्ट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है ना, एंड मैं इसको कंसोल डॉट लॉग, तो एक काम करता हूँ लेट क्या फॉर्म क्लास, ठीक है एक काम करता हूँ एंड कंसोल डॉट लॉग फॉर्म क्लास, एंड एक काम करूँगा यार मैं ये इस वैलिड पे रखने गया तो वापस पूरा मुझे सब कुछ फिल करना पड़ेगा, मैं वो नहीं चाहता, मैं जल्दी से यहाँ चाहता हूँ कंसोल पे एंड एक बार क्लिक करूँगा ये देखो। सो गाइस आप एक चीज़ देख सकते हो, ये जो डेटा मुझे मिल रहा है ये क्या मिल रहा है मुझे, अब आपको पता चला ना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जब आप अगर क्लास नेम यूज़ करते हो ना गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम या गेट एलिमेंट बाई आइडिया जो भी हो तब आपको वो HTML कलेक्शंस देता है, बट जब आप क्वेरी सिलेक्टर या क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करते हो देन गाइस वो आपको नोड लिस्ट देता है। सेम ये डिफरेंस भी आपको पता चलेगा जब आप टेक्स्ट कंटेंट या इनर HTML या इनर टेक्स्ट जो भी हो तब आप उसमें भी यही सारे डिफरेंसेस आपको पता लगाना है, ये मेक श्योर करना जब भी आप HTML कलेक्शन के साथ खेलोगे तो ये एरे नहीं है, दिस इज नॉट एन एरे भाई, आप एक कंफ्यूज मत हो जाना, इंटरव्यू आपसे पूछेगा इसका लूप चलाओ आप फॉर इच मैप चला दोगे बट काम नहीं करेगा। HTML कलेक्शन इट्स लुक्स लाइक एन एरे बट इट्स नॉट एक्चुअल एरे, ये आपको ध्यान में रखना है, तो आपको इसको एक्चुअल एरे में पहले कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ गाइस वैसे तो ज़्यादा कोई बताएगा नहीं बट ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे एरे डॉट फॉर्म, तो ये एरे डॉट फॉर्म मेथड से अब मैं क्या करूँ, जो एरे लाइक ऑब्जेक्ट जो होता है या एरे लुक लाइक जो होता है लुक लाइक एन एरे टाइप वाले जो भी है तो अब यहाँ पे इस मेथड के थ्रू आप उसको एरे में कन्वर्ट कर दोगे, मैंने कन्वर्ट कर दी। अब मैं यहाँ पे फॉर इच यूज कर सकता हूँ या तो मैं फॉर ऑफ यूज कर सकता हूँ या मैं मैप यूज कर सकता हूँ, बट यहाँ पे जो मैंने किया सॉरी ये नहीं ये वाला कॉपी है ना, तो कॉपी तो की है मैंने डॉट खत्म, सिंपल ये मेरा काम हो गया है। एंड मैं एक और चीज ये करना चाहूंगा, लेट्स क्रिएट लेट यूजर डेटा, अब मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ, अब मैंने ये इसलिए क्रिएट की ताकि देखो ना ये क्या कौन सा पार्ट है, ये जब सक्सेसफुली यूजर डेटा फिल कर लेता है, जब यूजर ने डेटा फिल कर लिया तो ऑब्वियसली उसका डेटा आप कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे तो वो भी जरूरी है ना, तो मैं क्या करूँगा मेरे पास ये जो फॉर्म क्लास है इसको कॉपी करूंगा, इसको मैंने एरे में बनाई एंड सिंपल गाइस यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा फॉर इच यूज करूंगा, ठीक है। एंड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जितने भी इसके वैल्यू होंगे देखो ना ये फॉर्म क्लास में ना मुझे एक एक करके वैल्यू मिलने वाली, एक एक एलिमेंट की वैल्यू मिलेगी, उसको मैं पुश करके इसमें स्टोर कर दूंगा, सिंपल यही और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाला मैं, करेंट एलिमेंट, तो ये जितने भी मेरे करेंट एलिमेंट है सॉरी नॉट करेंट एलिमेंट, ये जितने भी मेरे यूजर डेटा है मेरा जो यूजर डेटा जो मेरा एरे है उस पर मैं पुश कर दूंगा मेरा ये जो भी करंट एलिमेंट डॉट वैल्यू, दिस इज इट खत्म। तो एक तो मैं क्या कर रहा हूँ सॉरी इसको मुझे ऊपर करना पड़ेगा, पहले मैं स्टोर कर रहा हूँ फिर उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है सिंपल इतना ही है। अब आप जो चाहते हैं तो वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो विनोद ठीक है, अब आई गेस आई एम कॉन्फिडेंट, आप ध्यान से देखना अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, अब ये रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, इससे पहले ये क्लियर नहीं हुआ था क्लियर होगा एंड डेटा भी मुझे मिलेगा। ओके कुछ तो गड़बड़ हुआ है एंड दैट इज कि लेट फॉर्म क्लास, वी हैव दिस फॉर्म कंट्रोल देन फॉर्म क्लास, ठीक है एक काम कर सॉरी यूजर डेटा तो मैंने आपको अलर्ट करके दिखाया है, आई मीन कंसोल करके दिखाया ही नहीं है ना, सो यूजर डेटा तो मैं ऐसे दिखा सकता था आपको एंड मुझे पता चल गया गाइस यहाँ पे
हम इनपुट फील्ड के साथ खेल रहे हैं ना, यहाँ तो मैंने वैल्यू लिख दिया था, तो यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट क्यों यार? वो वैल्यू है, वो हमें उसकी इनपुट फील्ड का हमेशा वैल्यू होता है। एंड अगर आप इनपुट फील्ड के अलावा लेट से पैराग्राफ आपका हेडिंग या अगर डिव है, तब वहाँ पे आप टेक्स्ट कंटेंट इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट के साथ जाना, बट आपको वैल्यू लिखना जरूरी है। तो अच्छी बात है ये अभी तक गाइस सबमिट नहीं हुआ, अब मैं क्लीन करूंगा, ध्यान से देखना। अभी क्लीन होगा एंड डेटा भी, ओ माय गॉड क्या हो रहा है ये? अच्छा इसको मुझे रिफ्रेश, ओ माय गॉड मुझे रिफ्रेश तो करना था ये। ऑल राइट गाइस, तो मैंने फिर से डेटा फिल कर दी है एंड दिस टाइम आई एम प्रीटी श्योर कि अब मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, देखो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल एंड बूम गाइस सी, मुझे सारा का सारा डेटा भी आ गया, ये भी क्लीन हो गई है एंड या दिस इज इट। सो या गाइस, हमारा वैलिडेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इतनी मेहनत करके आपने अपने लोकल सिस्टम पे बनाई, आप इसको लाइव होस्ट कैसे कर सकते हो होस्टिंग हब में। तो सबसे पहले गाइस मैं बताना चाहूंगा, होस्टिंग हब में सेल चल रहा है, ये जो प्राइजेस को ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, आप देख सकते हो प्रीमियम बिजनेस क्लाउड स्टार्टअप में ऑलरेडी इनके ऊपर पूरा प्लेलिस्ट अपडेट कर चुका हूँ, उसको चेकआउट कीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, व्हाई वी नीड सर्वर, यू नो, एंड आप कैसे इसको बाय कर सकते हो एंड कैसे आप इसमें डायनेमिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट, मन वेबसाइट सब होस्ट कर सकते हो। मैं ऑलरेडी सबके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, प्लीज चेकआउट कीजिएगा। एंड मैं बताना चाहूंगा, अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे, देन दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सेल चालू है, इससे प्राइस कम आपको नहीं मिलने वाला, सर्विसेस एकदम ऑसम है। बेस्ट पार्ट है कि इनका डेटा सेंटर इधर मुंबई में ही है, जो कि बाकी लोगों का यूएस पता नहीं कहाँ कहाँ होता है, तो आपका स्पीड भी बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पे एक और ऑसम न्यूज ये है कि आई हैव स्पेशल कूपन कोड ओनली फॉर यू गाइस, जहाँ पे अगर आप यूज करते हो थापा 7 देन यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। तो गाइस फॉर माय फैमिली, आवर थापा फैमिली के लिए मैंने कूपन कोड रखा है, क्योंकि देखो नो मैटर व्हाट, अगर आपको सर्वर बाय करना पड़े आप बाय करोगे जो प्राइस है उसी में। लेकिन मैं यहाँ पे आपको लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहां पे अगर आप क्लिक करके बाय करते हो देन वहां पे अगर आप कूपन कोड ऐड करते हो थापा 7 तो जो भी प्राइस है उसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर 10,000 का है तो 1,000 ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो और क्या चाहिए आपको गाइस, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड ये वाली जो प्लेलिस्ट है इसको चेकआउट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे आप बाय एंड ऑल कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट है कि गाइस अगर आप इनमें से कोई भी यूज करोगे तो आपको गाइस फ्री, आप देख सकते हो आपको डोमेन मिलेगा, ईमेल, एसएसएल सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे गाइस एआई वेबसाइट बिल्डर, बहुत सारी चीजें, आप 200 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा। जस्ट आप बाय कीजिए, लॉगिन कर लीजिएगा, जब आप लॉगिन करते हो तब गाइस अपने डैशबोर्ड पे आइएगा, ये सीएसएस कोर्स वाला पार्ट है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कैसे आप अपना यू नो सीएसएस कोर्स डॉट ऑनलाइन, तो मैंने अपने सीएसएस कोर्स में ये ऑसम वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो वो बताया था, तो इसके ऊपर बेसिकली ये भी लाइव है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो, ये आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा, इससे बेटर वीडियो नहीं मिलेगा कहीं पे भी, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसी में ही मैं एक सब डोमेन क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सो गाइस मैं अब होम पे आ चुका हूँ, मैं अब ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो बाय कर ली है, तो आपने जो भी डोमेन बाय किया होगा तो आपको डोमेन के अंदर वो दिखाई देगा। बट मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे जो आपको वेबसाइट दिख रहा है मैं उस पर क्लिक करने वाला हूँ, क्योंकि जब आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे तब भी आपको वो चीज दिखने वाली है, तब आप यहाँ पे जो डैशबोर्ड है उस पर जाइएगा। ठीक है, जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो वी हैव दिस डोमेन, यहाँ पे सब डोमेन आपको दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना। बेस्ट पार्ट है कि अनलिमिटेड सब डोमेन आप क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक सब डोमेन बनाता हूँ और वैलिडेशन, ठीक है, एक वैलिडेशन नहीं जेएस फॉर्म लिख देता हूँ मैं। एंड मैंने गाइस इस पर क्लिक करके एक पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब होगा ये क्या मैं आपको बताता हूँ, अब मेरा ये जो सब डोमेन है वो तो क्रिएट हो गया। मैं वापस डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ, फाइल मैनेजर दिख रहा है उस पर मैं जा रहा हूँ। फाइल मैनेजर पे जब मैं जाऊँगा तो कभी भी याद रखना पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल एक फोल्डर होता है, इट्स लाइक कि जो देखो ना, तो आप ये समझ लीजिए पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर जाना मतलब जैसे मैं ये जीएस इंटरव्यू के अंदर हूँ ना, वैसे ये आपका मेन ये गाइस आपका ये हार्ड ड्राइव है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे पेजेस है जिसमें से मैंने बनाया था जेएस फॉर्म, इसके अंदर मैं जाऊंगा, ये जो जो है उसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करने जा रहा हूँ, फोल्डर पे क्लिक करने जा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी ये बना के रखा है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वो सारे फाइल्स है जो अभी हमने काम किया जिसपे, एंड मैं अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ एंड मैंने अपलोड पे क्लिक कर दी। तब आप देख सकते हो ये देखो टॉप पे कितने, ओ माई गॉड, मतलब मैं जा ही रहा था, ये हो गया, फॉर्म के अंदर जाऊंगा। अब ये जो पार्ट है जो भी डेटा ये मेरे को जेएस फॉर्म के अंदर चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक्चुअल सब डोमेन है, तो मैं कंट्रोल ए सेलेक्ट कर रहा हूँ सब कुछ
एंड देन ये जो अपलोड वाला बटन, आई मीन नॉट अपलोड सॉरी, मूव पे क्लिक करूंगा। इस पर्टिकुलर ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, इट मीन्स ये हमारा रूट है, उस पर मैं मूव कर दूंगा। मेरे जेस के अंदर सब कुछ आ गया, मतलब मेरा काम खत्म, मेरा काम खत्म। मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे, जेस फॉर्म डॉट, देखो कुछ नहीं किया, मैं इधर ही हूँ, ना एक सेकेंड की देरी ना कुछ, सॉरी ये HTTPS मुझे आनी चाहिए बस, एंड या दिस इज इट। मैंने एक की एंड बूम गाइस, ये वही फॉर्म है मैंने जो अभी क्रिएट की थी। एंड मैंने अब देखो, अब आपको बिलीव नहीं होता, यहाँ पे देखना क्या है, क्या ये फॉर्म डॉट CSS कोर्स डॉट ऑनलाइन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या है, JS फॉर्म डॉट CSS कोर्स डॉट ऑनलाइन, मतलब एक सेकेंड नहीं लगा मेरा ये लाइव हो चुका है। एंड यहाँ पे भी ये देखो, एंड ओ माई गॉड, है ना इतना ज्यादा ऑसम। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारा होस्टिंगर का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सोर्स कोड का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। बट आई हाईली रिकमेंड, प्लीज आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तब जाके आप कोड को एक्सेस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड बहुत जल्द अब मैं रिएक्ट सीरीज लेके आने वाला हूं। आई डोंट नो, आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो। एडवांस जावास्क्रिप्ट का कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा, हमारा ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन इन वन वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।